में किसानों के परिजनों की नई मांग है। लखीमपुर में बहराइच के दो किसानों की मौत हुई है और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं किसान। लखीमपुर में हुए पोस्टमार्टम पर किसानों को भरोसा नहीं है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। परिजनों के साथ तमाम किसान प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। किसान निष्पक्ष जांच रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं, दोबारा से पोस्टमार्टम की मांग परिजनों की ओर से की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। संजय हमारे साथ बने हुए संवाददाता। संजय, दोबारा से पोस्टमार्टम की मांग है परिजनों की और भरोसा नहीं हो रहा है जो अभी जांच रिपोर्ट आई है उस पर। संजय बिल्कुल, पर कहीं ना कहीं किसानों की ये मांग है, किसानों का ये कहना है कि जो रिपोर्ट है, जो मेडिकल करवाया गया है, जो पोस्टमार्टम करवाया गया है, उसमें हीलावाली बरती गई है। उनका ये कहना है कि एम्स के डॉक्टरों के साथ के पैनल के साथ मेडिकल होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से जो वास्तविकता में दिखाई पड़ रहा है वो मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा नहीं बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर क्योंकि वजह यह है कि अभी मेडिकल रिपोर्ट भी परिजनों के हाथ में नहीं सौंपी गई है, तो तमाम तरह के अभी जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जो परिजन है वो काफी नाराज है, बेहद आक्रोशित है और शव को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि वास्तविक मेडिकल रिपोर्ट हमारे सामने सौंपी जाए। अगर उससे अगर मैच नहीं खाती है तो निश्चित रूप से हम अभी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। संजय, प्रदर्शन स्थल पर क्या कोई अधिकारी अभी तक पहुंचा है, कोई आश्वासन मिला है, कोई बातचीत परिजनों से प्रशासन के बीच में हुई है? देखिए, प्रदर्शन स्थल पे दोनों जगह की अगर हम बात करें तो दोनों जगह तमाम तकरीबन 150 से 200 की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। स्वयं एडिशनल एसपी और एसपी मौके पे मौजूद हैं, लगातार लोगों को समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग अंतिम संस्कार कर लीजिए, जो पोस्टमार्टम होना था वो हो चुका है, लेकिन परिजन चूंकि मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ऐसे परिजनों को समझा पाता है या नहीं समझा पाता है। जी, लेकिन संजय, लगातार अगर इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा, शव रखकर प्रदर्शन परिजन करते रहेंगे, तो ये प्रशासन की मुसीबत भी बढ़ेगी और साथ ही अब ये बड़ा सवाल यहाँ पर जांच पर भी खड़ा हो रहा है परिजनों की ओर से कि आखिर जांच को सही क्यों नहीं मान रहे हैं, परिजन आखिर क्या चाह रहे हैं, इस जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? निश्चित रूप से देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परिजनों को भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टरों के पैनल ने ही पोस्टमार्टम किया है, लेकिन चूंकि वजह यह है कि जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, परिजनों का कहना है कि साफ तौर पे गोली का स्पॉट दिखाई पड़ रहा है, उसको गोली मारी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं गोली मारना दर्शाया नहीं गया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं उनका कहना यह है कि जिला प्रशासन के दबाव में और मंत्री पुत्र के दबाव में या मंत्री के दबाव में ऐसे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको बदलने का प्रयास किया गया है। यानी कई तरह के सवाल परिजनों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, कई तरह के कयास परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन समझाने का प्रयास करना चाहिए, पुलिस प्रशासन दबंगई कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे इस दबंगई की स्थिति में जो परिजन है वो मानने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग भी उनके पास पहुंच रहे हैं वो सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं और उनको उनके पास पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर के काफी आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। लेकिन संचय, जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसको लेकर जिला प्रशासन क्या कह रहा है और उस रिपोर्ट में आखिर क्या है? देखिए, जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे दिखाया गया है कि पीट पीट करके कुछ लोगों की हत्या की गई है, कुछ लोगों की जो है वो कुचलने से हत्या की गई है, मतलब इस तरीके से जो इंजरी रिपोर्ट जो दिखाई गई है उसमें जो है वो चोट के निशान दिखाए गए हैं, यानी वो चोट के निशान टायर के दबने से भी हो सकते हैं, वो चोट के निशान लाठी के भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं भी गोली का स्पॉट नहीं दिखाया गया है। और परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जो उनका बेटा मारा गया है उसके सर में गोली लगी हुई है, गोली के निशान साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत हो सकता है। ठीक है, सावित्रीबाई फुले की जो तस्वीरें संजय सामने आई है, क्या इन्हीं लोगों से मिलने के लिए वो जा रही थी और क्या मुलाकात हो पाई परिजनों से सावित्रीबाई फुले की, या फिर पुलिस ने पहले ही रोक लिया? पर देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता, साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि जब ऐसी कोई भी घटनाएं होती है तो विपक्ष ये पूरा प्रयास करता है कि उस घटना को वो स्वयं सबसे पहले पहुंच करके और उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता है, क्योंकि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उनका पूरा ये प्रयास रहता है कि जो पब्लिक है या जो माहौल चल रहा है वो हमारे पक्ष में हो। ऐसे में लेकर के सावित्रीबाई फुले वहां पहुंची थी और वो प्रयास उनका यही था कि जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलेंगे, उनके दुख में शरीक होंगे, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से अभद्रता करते हुए उनके बाल को खींच करके और गाड़ी में जबरदस्ती बैठाया है, हमें लगता है कि जिस तरीके से लगातार ये व्यवस्थाएं की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, ये व्यवस्थाएं बिल्कुल गलत है और लगातार जो परिजन है वो आक्रोशित हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए।